गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आसमा कुरैशी। मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कहने से कर रही हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं जू, है ना। हमें वहाँ पे टाइगर दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। सो पिज्ज़ा खा रही है, खा लो आप लोग। सो यस गाइज, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम टाइगर देखने वाली हूँ, है ना। टाइगर दिखेगा ना वहाँ पे लाइफ में फर्स्ट टाइम। यस, और जू भी मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। उसके बाद आप, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जो होटल के हम चेक इन करें, होटल नहीं, मैं पहले पहुँच जाऊँगी यहाँ पे, फिर आप लोग को दिखाऊँगी। आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है। हाँ, सो यस गाइस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। पहले जू पहुँचती हूँ, उसके बाद पहले खा लेती हूँ। बाय। सो गाइस यस, हम अभी जू पहुँच गए, वॉक कर रहे हैं। हाय बोल मम्मा। हाय, दिखा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और मुझे तो ठंड लग रही है, मम्मा ने आज नहीं पहना जैकेट। मैंने क्या पहना है मैं बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। और गाइस यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, ऊपर से व्यू कितना अच्छा लग रहा है, नैनीताल लेक का व्यू। सो यस गाइस, देखा आप लोगों ने कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। सी, पूरा नैनीताल दिख रहा है, पूरा ना, ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल व्यू है। मुझे ना ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि बहुत से ऊँचे पे है ना, सी ऐसा ऊँचा ऊँचा जाना पड़ेगा वहाँ पे। सो यस, बात नहीं करने हो रहा है, फिर भी ब्लॉग शूट करी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यस, चलो पहले ऊपर पहुँच जाती हूँ, फिर बात करती हूँ। सीरियसली बात करने बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो गाइस हम दोनों बैठ गए क्योंकि हमें बहुत ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ऊंचाई पे, ऐसी ज़्यादा ऊंचाई पे मुझे हार्ट बीट फास्ट। और अभी मेरी मम्मी ब्लॉग देखेगी तो बोलेगी, इसलिए बोलती थी खाना खाओ, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ, है ना मम्मा। मैं तो हार्ट बीट फास्ट हो गया, बात सांस फूल रही है, बात करने भी नहीं, सांस फूल रही गाइस, बहुत ऊंचाई पर है ना। एक्चुअली व्लॉग का स्टार्ट ही मैंने ना कैब में किया, कर लिया क्योंकि मैं उठी उसके बाद बहुत सारा काम था वो ख़त्म किया। सो मैंने सोचा चलो जब टाइम मिले ब्लॉग स्टार्ट कर लेती, तभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और हम जू के लिए निकल गए थे। सो ये जू के बाद हम जाएंगे हमारा फेवरेट 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 स्पॉट स्पॉट यस, हमारा मेन। हम नैनीताल इसीलिए आए थे कि हम वहाँ पे जाके एक्सप्लोर कर सकें। सो यस गाइस, पहले हम नैनीताल लेक के सामने होटल था वहाँ पर रुके, उसके बाद अब हम जा रहे हैं जू के बाद हम जा रहे हैं वहाँ पर। अभी नहीं बताऊंगी, वो सस्पेंड रखूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है ना। सो अभी 5 मिनट बैठ रहे हैं, किरण पानी लाने गई है, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा और चढ़ना है। और जू पे आप लोग जब भी आएंगे तो सिर्फ एक बैग थोड़ा जिसमें कम सामान हो वही कैरी करना, प्लीज़। ज़्यादा हैवी चीज़ें मत लेकर आना जब भी आप नैनीताल आओगे। और ये स्पेशली जू में आओगे ना आप, तो कुछ भी मत कैरी करना, सच बता रही हूँ, बहुत ऊंचाई पे है। सी आप लोग देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे। सो यस गाइस, क्या बोलूँ, और हमारा मेन था जू आने का कि हमको टाइगर देखना है ना, हमें टाइगर देखना था, हमने लाइफ में टाइगर नहीं देखा, सीरियसली बता रही हूँ। सो यस, टाइगर देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है हमें, सिर्फ टाइगर देखना है, उसके बाद चले जाना है। और ना बहुत स्लिप हो रही है टंग, है ना, बात करने नहीं हो रहा, ठंड है ना बहुत, ठंड भी है प्लस धूप है अभी तो, बट ठंड लग रही फिर भी हमें। बट इसीलिए मैंने सोचा कि यार सीरियसली बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब हम ट्रैवल कर रहे हो ब्लॉग बनाना, ऊपर से मैंने टाइम के बाद ट्रैवल कर रही फिर भी बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो चलो थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेती हूँ, रिलैक्स हो जाते, अभी सीधा जब पहुँच जाऊँगी ना जू के अंदर पहुँच ही गए, बट अभी बहुत चलना है, जब टाइगर दिख जाएगा तो दिखा दूँगी, ठीक है। बाय गाइस, चलो सो गाइस फाइनली अभी हम टाइगर देखेंगे, बट चढ़ना तो ये चढ़ानी है पूरा, और ब्रीथिंग की तो प्रॉब्लम हो ही रही है। फाइनली सी, सो गाइस फाइनली हमें टाइगर दिख गया, बट वो सो रहा है मम्मा।
टाइगर तो दिख गया बट वो सो रहा है हम लोगों को देख के, है ना, वापस देख उठ जा आप लोग नहीं देख पाओगे, और ये ना सही से फोकस भी नहीं आ रहा है, और आगे अंदर है सी उठ रही है सो रहा है दिखाती उठी के फोकस नहीं आ रहा है सही से गाइस। करो बाद में करो, आएगा फिर से। आजा भाई आजा, आजा खाना पचा रहा है तू अपना। गाइस सीरियसली फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने टाइगर देखा, मैं कितनी एक्साइटेड हो गई उसको देख के, इतना मोटा टाइगर था वो, सीरियसली बहुत ज़्यादा खुश हो गई। अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड देखने के लिए, सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जाना कहाँ मुझे, वो दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़ के, सीरियसली गाइस मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ सच में। अब मैं लेपर्ड देखने जा रही हूँ बट ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है मुझे सच में, बहुत कुछ। उड़िया भाई उड़िया, इसको देख ले, ये रहा क्या है कुत्ता, ये यार आगे गया है यार। वो सो यस गाइस, अभी हम आए हैं लेपर्ड देखने के लिए, सी आवाज़ आ रही होगी आपको, वो लड़ रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ ठीक है पीछे के कैमरे से। सो गाइस आप लोगों ने देखा वो लोग फाइट कर रहे हैं, और सीरियसली मुझे इतनी खुशी हो रही है ना देख के उन लोग की फाइट, देख के नहीं उन लोगों को देख कर खुशी हो रही है ठीक है। सो सी वापस अब बैठ गए शांत, सच में मतलब मैं ये जू दो चीज़ देखने आई थी, टाइगर और एक लेपर्ड, और फाइनली अच्छे से बहुत नज़दीक से मैंने देख भी लिया। अब मम्मा वहाँ पे बैठी है, उसको थोड़ा हो नहीं रहा है क्योंकि बहुत ऐसे ना ऊँचाई ऊँचाई पे है ये सारे। सो पहले मैं अच्छे से देख लेती हूँ, यार मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में देख भी नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ गाइस मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, उसकी वजह से मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ, तो पहले अच्छे से देखती हूँ फिर आप लोग को मिलती हूँ ठीक है। सो मम्मा कैसे लग रहा है टाइगर और लेपर्ड देख कर फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है, वो लोग लड़ रहे थे हाँ फाइट कर रहे थे वो लोग। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। बट इंसानों से बहुत अच्छे जानवर है, मैंने आज रियलाइज किया। और कुछ लोग वहाँ पर उन लोग को छेड़ रहे थे है ना, आवाज़ें निकाल रहे थे। सो यस बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम लोगों को देख कर, हम लोग ने देखा हम तो बहुत खुश कुछ भी बोल रही यार, तो जज मत करना और कमेंट मत करना कि बात करनी नहीं आती है, ये करनी नहीं आती वो करनी नहीं आती। अब थोड़ा अच्छा लगेगा ऐसे उतरेंगे तो ना, चढ़ने तो के टाइम थोड़ा इजी लग रहा है बट चढ़ने के टाइम हवा टाइट हो गई थी। और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है व्यू, सारा व्यू। और क्या बोल रहे हैं मम्मा, क्या बोल सकती हूँ मैं और ज्यादा, मतलब मैंने सिर्फ देखी एंजॉय किया, बाकी वो लोग तो सब सो रहे थे है ना, सबका लंच के बाद उन लोग ब्रेक ले रहे थे है ना किरण, सोकर तुम्हारा पिज्जा टाइम से सो गया। हाँ और बहुत बड़ा जू है, हम लोग ने आधा भी जू नहीं घूमा। हाँ अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा सिर्फ टाइगर और लेपर्ड देख बस बस, और पीकॉक्स। हाँ क्या बे लग रहा है, अभी टाइगर देखती हूँ फिर बताती हूँ कैसा लगता है।
क्योंकि अभी बहुत चढ़ चुकी हूँ ऊपर, चढ़ान सांस फूल रही मेरी पदमास। एक मिनट मेरे को कुछ दिखाइए, लेपर्ड यहाँ पे भी है ना, ये छोटे हैं यहाँ पे भी लेपर्ड दिख गए। मेरे को मैंने ग्लास में नहीं दिखा, दिखा है आपको, दिखा रही हूँ अभी, ठीक है अच्छे से देख लो, ये है ना अम्मा। ये झूला झूला सो गाइज, अभी मैं जस्ट फोटो ले रही थी और लेपर्ड ने मुझ पे अटैक कर दिया, बट मैं बच गई क्योंकि ये था है ना। मम्मा बता, मैं तो डर गई बट वो रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैं फोटोज ले रही थी उसका। कितना डेंजरस था वो माँ, ये सारे लोग डर गए थे। बहुत डेंजरस था, सीरियसली बहुत डेंजरस था। ये इसने ना पूरा ऐसे अटैक कर दिया इस पे से कि ना इसका फोटो ले रही थी और इसने अटैक किया। सो यस गाइज, मैंने जो एक्सप्लोर किया आप लोगों को भी दिखाया, टाइगर देखा मैंने और लेपर्ड भी लड़ रहे थे आपस में। सो यस, चलो ये ब्लॉग यही पैन करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत एक्साइटेड होने वाला है, लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। सो स्टे ट्यून गाइज, चलो अभी होटल जाना है, सारा सामान निकालना है, पैकिंग तो कर ली थी सारा, बट होटल जाके सारा सामान निकालना है। कैब आ चुकी है और नैनीताल लेक से आई थिंक सो वो कुछ 2 घंटे दूर पे है, दूरी पे है आई थिंक सो 2 घंटे। हाँ किरण मुझे बता रही थी 1.5 45 मिनट्स, 2 ही घंटे लग जाएंगे। सो चलो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए एक्साइटेड रहना और यस लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर। और मैंने सोचा स्पेशली ये ब्लॉग डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, और क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो ये वाला ब्लॉग जू का ब्लॉग डाल देती हूँ, उसी लिखा है नैनीताल जू। तो यस मिलती हूँ अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, ठीक है। और पहना क्या है वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। बाय, टेक केयर।